वेलकम बैक खवातीन हज़रात। वो तमाम खवातीन इनके गले बैठ चुके हुए हैं, अभी डॉक्टर साहब उनके लिए टोटका बताएंगे। डॉक्टर साहब बल्कि मैं पहले आपसे आ जाता हूँ, क्योंकि आप ये बताइए कि ये जो हम एज फार्मास्यूटिकल कंपनीज सारे डॉक्टर्स को कभी लॉस वेगस लेके जा रहे हैं, कभी दुबई लेके जा रहे हैं, कभी थाईलैंड लेके जा रहे हैं, कभी बूर्बन लेके जा रहे हैं, ये क्यों, इसकी क्या साइंस है, इसका बिहाइंड द सीन बताएं आप हमें। अच्छा, इसमें होता यह है कि जो डॉक्टर्स होते हैं जी, उनके एकेडमिक सेशंस बहुत से होते हैं, कहीं ना कहीं प्लान हुए हुए होते हैं, क्योंकि हम पहले ये देख लेते हैं पूरे ईयर जो है डॉक्टर्स के कौन कौन से एकेडमिक सेशंस हैं और किस किस कंट्री में है, तो उनको फोकस्ड करते हुए हम डॉक्टर्स को फिर ये ऑफ़र करते हैं कि यहाँ पे एकेडमिक सेशन है इस कंट्री में, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप उधर चल सकेंगे। ओके, तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस्ड करते हैं। जब वो एकेडमिक सेशन करके आते हैं तो फिर आपकी जो सिटामोल है या मेंटेन है वो ज़्यादा सेल बढ़ जाती है, उसकी क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता नहीं है कि ये बढ़ जाए। इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है, देखें डॉक्टर्स से हम इस बेस्ड पे नहीं उन्हें भेज रहे होते कि उन्होंने हमारी ये प्रोडक्ट लिखनी है। देखिए, हमने आगे हम अपने हमारे प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की। हमें ये नहीं है डॉक्टर को भूरबन भेजा है इसलिए आके वो हमारी मेडिसिन स्टार्ट कर दें। नहीं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हम फोकस ये किए होते हैं उस एकेडमिक सेशन से डॉक्टर्स भी, मतलब आप उसकी नॉलेज भी एक तरीके से रिव्यू हो जाती है और उसको अपडेट्स के बारे में एक होता है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमारा डॉक्टर से एक्सेस इजी हो जाता है कि हमने एक डॉक्टर को भेजा होता है। देखिए, मार्केटिंग जो ये गिमिक्स हैं सारे, और मार्केटिंग गिमिक्स में यकीन, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हमने रिजल्ट्स तो लेने हैं और वो डॉक्टर्स ही हमारे फर्स्ट क्लाइंट हैं। हमारे आप ये कह रही हैं कि आपकी सेल बढ़े ना बढ़े वो आपको इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये भी इंटरेस्ट हो सकता है कि दूसरे की सेल कम हो जाए, तो डॉक्टर साहब आपने वो नहीं लिखना। नहीं, ये डिपेंड करता है, हम डॉक्टर को अगर कहेंगे कि वो नहीं लिखना तो वो का तो नाम बताना पड़ेगा ना। अगर नाम बता के तो कहते हैं कि हम ब्रांडिंग उसकी नहीं करना चाहते, ये तो स्किल्स होती हैं सारी। अगर हम जो है बात अपनी ही प्रोडक्ट्स की करते हैं और अपने ही प्रोडक्ट्स के सारे एडवांटेजेस और अपने जो है हम सेलिंग पॉइंट्स बताते हैं जो उसमें बेनिफिट्स होते हैं, और आप यकीनन डॉक्टर का भी कंसर्न उसका पेशेंट होता है कि पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्ट का। Correct. तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, और जहाँ तक देखें डॉक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट उसका पेशेंट है एट एनी कॉस्ट। कभी भी कोई कंपनीज, यकीन जाने हमने देखा है, हम तो इस इंडस्ट्री में हैं, कहाँ नहीं भेजती, और लेकिन आके डॉक्टर्स नहीं लिख रहे होते। अच्छा, डॉक्टर के लिए कौन सा पेशेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी जेब लंबी होती है या जो बीमार ज़्यादा होता है? नहीं, देखें चेक, ये देखें, ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है इस प्रोफेशन में। ख्याल में पुलिस में तो मेरा ख्याल से डॉक्टर्स जो है वो 90% डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो कि पेशेंट की पॉकेट को नहीं कंसीडर करेंगे, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट की अपनी कंडीशन है। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट आपके पास आता है एज अ जनरल फिजिशियन, और आप जब डायग्नोसिस, आजकल मैं इसलिए डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई करके कर रहा हूँ, किसी भी मामूली से मामूली आप डिजीज़ के लिए अगर आज किसी एक कैटेगरी हॉस्पिटल, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, में चले जाते हैं, तो वो आपकी पहले वो नब्ज़ वाला तो खैर रिवाज ही ख़त्म हो गया, हिकमत वाला, जहाँ वो हमारी दादी बताती थी धागे से नब्ज़ बांधते थे और पर्दे के पीछे से पकड़ के कहते थे ओहो, मतलब वो भी एक इंटेलिजेंशिया होता होगा, कहते हैं जाएँ पहले आप अल्ट्रासाउंड कराएँ, फिर आप इको कराएँ, फिर आप पता नहीं MRI कराएँ, फिर आप CTI कराएँ, तो ये मतलब क्या, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह निकलता कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ खुदवा देते हैं जिसके बाद पूरा महीने का बजट अपसेट हो जाता है, अंदर से चूहा निकलता है वो भी मरा हुआ, तो ये क्या ज़रूरी हो गया कि आप पूरी डायग्नोसिस इस तरह करें? अब देखिए, बजट पे आपने पहले बात की, तो बजट से हम ये करें हुकूमत की तरह हमारे घरों में भी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन पे बजट में, कहीं घर जब घर का बजट बनाते हैं उसका कहीं जिक्र नहीं होता। एब्सोल्युटली, एजुकेशन वाले हमसे अच्छे रहे कि उन्होंने तो स्क्वीज कर लिया कोचिंग सेंटर और अपने एंट्रेंस टेस्ट और ये करके वो तो निकाल रहे हैं। करेक्ट। अब हेल्थ के एजुकेशन, हेल्थ के बजट के लिए आपके पास पैसे घर में नहीं रहते, इसलिए आपको हर खर्चा बुरा लगता है। करेक्ट। आपकी गाड़ी है, कंप्यूटराइज हैं आजकल गाड़ियाँ, मैकेनिक के पास जाएंगे बोलेगा IC 14,000 रुपये की है, आप बोलेंगे यार ये पकड़ 15,000 शाम तक बना दें, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने कोई टेस्ट अगर 5,000 के लिख दिए, तो जो भी मिलेगा रास्ते में हर एक को बताएगा यार 5,000 के टेस्ट लिख दिए, 5,000 के टेस्ट लिख दिए, 5,000 के टेस्ट लिख दिए, ठीक है। और अगर उस टेस्ट में कुछ नहीं निकलेगा, शुक्रिया अदा नहीं करेगा, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा, बोलेंगे आपने तो मेरे पैसे गलवा दिए। गॉट माय पॉइंट? ये एटीट्यूड है। तो
अब आपने कहा कि किसी दो हाथ से ताली बज रही है। देखिए अभी आप मेरी सुन लें, मैंने जो आपको बताया कि ये पेशेंट की तरफ से मैंने बताया। अब आपने कहा कुछ जगह जाएं जहां पे आपको टेस्टों की भरमार होती है। अब दो स्कूल अब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एक अमेरिकन सिस्टम है, एक ब्रिटिश सिस्टम है। जहां का आप जिक्र कर रहे हैं वो अमेरिकन सिस्टम है, और अमेरिकन सिस्टम हाथ अपने साफ रख के काम करता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करता है, इसलिए वहाँ टेस्ट करते हैं ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। हम पढ़े हुए ब्रिटिश सिस्टम के, तो लाहा वाला हमारे जो क्लिनिकल एक्यूमेंट स्किल्स हैं वो डेवलप की जाती थी। वॉट ना पॉइंट, हमारे जहन को इतना तेज़ किया जाता था कि हम समझ लें बात को, और हम अगर टेस्ट कराते हैं तो कन्फर्म और टू रूल आउट, ओके राइट। लेकिन जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर ट्रेनिंग यही है कि कोई स्टोन अनटर्न मत छोड़ना वरना फंस जाओगे, ओके वॉट ना पॉइंट। तो ये और एक और बात ये कि वो है इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है कि प्रोटोकॉल क्या है, इसलिए वो लोग टेस्ट कराते हैं, हैबिट फॉर्मिंग है, वर्ड ना पॉइंट, नेसेसिटी नहीं होती, लेकिन वो क्योंकि किताब में लिखा है कि रास्ता जो है इस गली से निकल के यूं जाता है वो उस गली से ही लेकर जाएगा सबको। लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़ा इस पर बड़ा, अब आपने जो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्यूमेंट बता दिया तो उस पर आप तो सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं येस और नो, तो जो इसमें नया नीम हकीम या अताई डॉक्टर जिसको हम कहते हैं कि जो अभी नया नया प्रैक्टिस में आया, अगर वो आपको इसी तरह ट्रीट करे और उस सिस्टम से ना लेके जाए तो उसका भी तो नुकसान हो सकता है। जी हाँ, उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो फिर इसमें आप वाली बात आगे वेरीफाई होगी कि जी जब तक आपका एक पूरा ख़ानदानी मुआलज आपके साथ नहीं चल रहा है तो यू नो इट इज़ बेसिकली वेरीफिकेशन ऑफ द पॉइंट। आई टोटली अंडर, मुझे समझ आ गया डॉक्टर साहब, लेकिन ये सेव और डॉक्टर का क्या रिलेशन है डॉक्टर साहब, ये मुझे अभी तक नहीं समझ। मेरी पैदाइश से पहले क्या ये कहावत है? अच्छा कॉलर लाइन पे पहले उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कहे। जी सलाम अलैकुम, कौन और कहां से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन और कहां से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम शुजा है। वालेकुम शुजा भाई, और मैं फारूक भाई को सलाम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा फारूक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है करना। मैं सलमान भाई आपसे एक बात करना चाहूंगा कि ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, ये फरिश्ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी मैं सुन रहा हूँ भाई। ये फरिश्ता है, ये जिस चीज के बारे में डायग्नोस करते हैं और वही चीज निकलती है, और ये फालतू किसी किस्म की कोई दवाई नहीं देते। और मैं तकरीबन 20 साल से इनका पेशेंट हूँ, और ये इतने बेहतरीन इंसान हैं कि इनके पास आप किसी हालत में जाएं और आधे घंटे के बाद जो है आप अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करेंगे। माशाल्लाह, इतनी अच्छी काउंसलिंग करते हैं और इतने अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला ने इनके हाथ में बहुत अच्छी शिफा दी है, और लोग इनके पास दूर दूर से आते हैं, और मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनको सेहत तंदुरुस्ती हयाती दे। शुक्रिया, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू शुजा भाई, बहुत शुक्रिया। जी हम फिर आपके पास वापस आ गए। ये जो टर्नओवर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ये सेंसिटिविटी ऑफ इशू की वजह से मैं करूँ, फिर डॉक्टर साहब का ओपिनियन लूँगा। पिछले 10 सालों में जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने एक्सपेंड किया या जो उसमें ग्रोथ हुई है, गुड और बैड विच इज़ बियॉन्ड द पॉइंट, क्या इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बीमारियों की शरह बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, या एज अ बिजनेस ये ग्रो कर रहा है सिर्फ और इस पर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है? एग्जैक्टली, इसमें देखें बहुत से फैक्टर्स हैं। जिस तरह से आपने कहा बीमारियां, नो डाउट बीमारियां तो इंक्रीज़ हुई हैं, जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन चल रही है हमारे पाकिस्तान की और डिफरेंट सिटीज़ की स्पेशली, तो वहाँ पे डिज़ीज़ जो है वो तो बड़ी हैं, और साथ में जो है अवेयरनेस भी आई है, पेशेंट अवेयरनेस भी आई है। अब आप देख लेना, आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, अगर हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन हम थोड़े अवेयर्ड हैं डिज़ीज़ से, कि अगर एक हम इग्नोर नहीं कर सकते, अगर हमारा बच्चा कह रहा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा काम करने में, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, पहले क्या होता था उसको इतना ज़्यादा हम लेते ही नहीं थे सीरियसली, लेकिन अब हम कंसर्न रहते हैं कि इसका ताल्लुक किसी ना किसी डिज़ीज़ से है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो पेशेंट अवेयरनेस बढ़ी है, और वही वाली बात है, देखिए पेशेंट अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हाथ है, क्योंकि हम लोग फोकस्ड करते हैं पेशेंट अवेयरनेस पे। पेशेंट अवेयरनेस होगी तो पेशेंट का डॉक्टर से एक्सेस जो है वो बढ़ेगा ज़्यादा। छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि, और फिर वापस आके जवाब लूँगा कि एयरबॉर्न डिजीज़ ज़्यादा हैं या वाटर बॉर्न डिजीज़ ज़्यादा हैं,
बहुत अच्छी बात की थी शैला ने कि आज बच्चे का जब दिल थोड़ा सा वो कहता है नहीं का चाह रहा होता काम करने को, तो फॉरन डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं इसको इंडियन फिल्म में देखना बंद कर दें। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक की दूसरी साइड पर।